हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के मन में। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं दे चुका हूं अपनी एक वीडियो में, आज मैं दे रहा हूं सेकंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं वहां इंक्लूड नहीं कर पाया था। सबसे पहला है एएलपी स्टेज 2 एग्जाम कब होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके अभी तक चल रहे हैं प्रेफरेंस ऑर्डर का जो मैंने बात कही थी। लोगों ने कहा था कि 1 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, देखिए 1 अक्टूबर चली गई और रिजल्ट नहीं आया। तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में आ रहे हैं कि अब 6 अक्टूबर तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स एनालाइज करने में भी का थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आरआरबी वाइज इस समय निकाला जाएगा, क्योंकि आपके जोन इसलिए भरवाए जा रहे हैं ताकि आरआरबी वाइज वो 15 गुना बच्चे लें और उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ निकालें। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो हो सकता है कि आपके अक्टूबर एंड या नवंबर की स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट दे दिया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम तो होना है ग्रुप डी के एग्जाम के बाद ही, और ग्रुप डी के एग्जाम दिसंबर तक चल रहे हैं और दिसंबर से पहले आपके एग्जाम होने नहीं है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दिसंबर के एंडिंग में जनवरी के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम्स होंगे। और ये बात की भी छोटी है स्टूडेंट्स की, 19 का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो मार्च अप्रैल से पहले आपका हर चीज कंडक्ट हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर 40+ मार्क्स हैं तो उनको कौन सी आरआरबी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके अगर मार्क्स 42 के ऊपर जा रहे हैं तो आपको जो आरआरबी सेलेक्ट करनी चाहिए वो आपकी होम टाउन होगी। आपका जो होम टाउन है वहां सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको रहने में परेशानी ना हो। एएलपी की जो नौकरी है थोड़ा सा आपको हैक्टिक शेड्यूल मिलेगा और उसकी वजह से माइंड भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से आप अगर घर पर रहेंगे तो आप बहुत आसानी से नौकरी कर सकते हैं। तो एएलपी वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर चांसेस हैं आरआरबी का सिलेक्शन वही करिए जो आपकी होम टाउन में हो, क्योंकि आगे आगे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आप दूसरे टाउन्स में जाकर या आप अगर साउथ के भर देते हैं रीजन्स। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर साउथ के अंदर यहाँ पर कम वो वैकेंसीज हैं, यहाँ भर दूँ। तो स्टूडेंट देखिए, बहुत एरियाज की जो कट ऑफ होगी वो इस बार वेरी कर सकती है। पिछली कट ऑफ को देखकर मत एनालाइज कीजिए कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। पिछली बार वैकेंसीज अलग थी, पिछली बार बच्चे अलग थे, पिछली बार कंपटीशन अलग था, इस बार बच्चे अलग है कंपटीशन अलग है, और इस समय जो कंपटीशन का हाल है तो आप जानते ही हैं क्या चल रहा है। 22 मार्क्स हैं इनके और ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जोन अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट 25 से नीचे है जनरल कैटेगरी में, उनके लिए बहुत ही मुश्किल की बात है, और मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा। 25 से कम नंबर है तो बहुत ज़्यादा लो मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के मार्क्स आपके कम से कम 35 के अराउंड तो होनी चाहिए, 35 से ऊपर अगर आपको सिलेक्शन लेना है CBT 1 के अंदर तो 30। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो 30 के रेंज के बच्चे हैं वो अपना वो खो दें कि नहीं मेरा होगा ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन जो होगा स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत आपको आगे लेकर आएगा और उसकी वजह से भी आप ऊपर आ सकते हैं। तो आप जिनके मार्क्स कम हैं वो बिल्कुल ही अपना माइंड मतलब परेशान मत होइए, आप आ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके कट ऑफ अगर आपका पेपर टफ होगा तो आप ऊपर आएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा CBT 1 में। इसके बाद देखिए 47 नंबर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं चंडीगढ़ से क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए, चंडीगढ़ से मेरे ख्याल से 47 मार्क्स काफ़ी सेफ हैं, और 47 मार्क्स तो इतनी कट ऑफ तो कहीं नहीं जाएगी 47 के ऊपर, तो आप चंडीगढ़ या हो इलाहाबाद कहीं पर भी भरें तो आप इजीली हो जाएंगे, 47 से ऊपर नहीं जाएगी। अब यहाँ पर ये पर्सन ये ब्लाइंड है लेफ्ट आई से, ये पूछ रहे हैं कि टेक्नीशियन सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में एलिजिबल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्ट है वहाँ पर आँखों की बहुत ज़रूरत है, और आप एक आँख से अगर ब्लाइंड हैं तो जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आप जब ब्लाइंड हैं तो ये पोस्ट ही ऐसी है स्टूडेंट्स की आपको आँखों की बहुत ज़रूरत है, तो ब्लाइंड के लिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एलिजिबल नहीं है आप। टेक्नीशियन की बात करते हैं, 43 नंबर जनरल से हूँ, चंडीगढ़ से अप्लाई कर सकती हूँ, कर सकते हैं आप अप्लाई, कोई शक नहीं है चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ 43 मार्क्स बाउंड्री लाइन के पर आएगा, इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ जाएगी 40 के अराउंड ही, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सोच लीजिए इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए, बच्चे पूछ रहे थे कि अगर मैं ITI 4 सेमेस्टर कंप्लीट किया है अगस्त 2018 में, क्या मैं फाइनल रिजल्ट तक नहीं पाया ITI इंक्लूड कर सकता हूँ। अब इनका कहने का यहाँ पर शायद क्वेश्चन ये है कि मेरा जो 4th सेमेस्टर है वो अगस्त 2018 में कंप्लीट हो रहा है, तो क्या मैं एलिजिबल हो पाऊँगा। तो नहीं स्टूडेंट्स, 31 मार्च 2018 यानी 31 मार्च से पहले पहले जितने आपने क्वालिफिकेशन गेन की है, जो आपने 12th पास की हो, ग्रेजुएशन करी हो, बीटेक की हो, डिप्लोमा किया हो, डिग्री की हो, जो भी किया हो 31 मार्च से पहले किया हो, 31 मार्च के बाद अगर कोई भी एग्जाम आपके पास रिजल्ट आया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप वो यहाँ पर नहीं डाल सकते, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये बोल रहे हैं कि मैंने फॉर्म फिल किया, अगर मैं BSc की डिग्री ऐड कर दूँ मैं टेक्नीशियन की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। तो नहीं हो पाएंगे आप एलिजिबल, क्योंकि उन पोस्टों के लिए
सो स्टूडेंट्स देखिए, पीसीएम का फॉर्म जो जो सारी रिक्वायरमेंट हैं वो सिर्फ टेक्निकल डिग्रीज़ के लिए हैं। बीएससी अगर आप ऐड भी कर देंगे तो भी आप यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 10+2 के अकॉर्डिंग ही चलेगी। वहाँ पर बीएससी के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, रेलिवेंट ट्रेड की बात करूँ तो रेलिवेंट ट्रेड्स जो आपको दिखा रही हैं रेलवे के अकॉर्डिंग आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात ये थी कि जो पिछला नोटिस आया था उसके अंदर रेलिवेंट ट्रेड्स की एक लिस्ट दी हुई थी, फिजिक्स और मैथ्स वहाँ पर उन्होंने सेपरेटली इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अब ये डाउट बच्चों के मन में आ रहा है कि क्या फिजिक्स और मैथ्स ALP और बाकी सब पोस्टों के लिए एलिजिबल है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है तो आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स की मेरे मन में भी डाउट है कि रेलिवेंट ट्रेड्स के अंदर क्या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने बीटेक कर रखी है क्या वो फिजिक्स और मैथ्स भरेगा, तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न है। और इस चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में अभी क्लियर नहीं हूँ, और मैंने इसके ऊपर एक RTI डाल रखी है। RTI का रिप्लाई आते ही मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आके बस यही सब चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों के मन में, और मार्क्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में। तो स्टूडेंट्स मार्क्स को लेकर अभी कोई बात नहीं करी जा सकती क्योंकि मार्क्स यहाँ पर अलग है। यहाँ पर देखिए, आई हैव कलर ब्लाइंडनेस, आई नो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर ALP, एम आई एलिजिबल फॉर टेक्नीशियन। तो स्टूडेंट्स नोटिस के अंदर जाइए, वहाँ पर साफ साफ सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि कलर ब्लाइंड के लिए जो कौन कौन सी पोस्टें हैं, और मेरे ख्याल से सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट कलर ब्लाइंड के लिए नहीं है क्योंकि सिग्नल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, लाइट्स को आपको देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पर असर करती हैं। और नोटिस पे जाइए, वहाँ पर साफ साफ हर चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, कौन सी कैटेगरी में नहीं है, और वहाँ पर जाकर आप इसको इजीली देख सकते हैं। और ये पूछ रहे हैं कि 10+2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वालों को भी ड्राइंग पढ़नी है क्या। स्टूडेंट देखिए, पार्ट ए जो है वो सभी के लिए कॉमन है, नेगेटिव मार्किंग पार्ट बी में भी होगी, पार्ट ए में भी होगी। पार्ट ए के अंदर आपको सभी को ड्राइंग पढ़नी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो सभी को देनी है, चाहे वो 10+2 के हों, चाहे वो बीटेक के हों, चाहे वो डिप्लोमा के हों, चाहे वो डिग्री के हों। सिलेबस की बात करते हैं तो मैं सिलेबस का वीडियोस डाल चुका हूँ। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मैंने 10th 11 में की थी, डिप्लोमा 14 में किया था, क्वालिफिकेशन फिल है बट मैंने इंटर 17 में किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने कभी भी किया हो आपको करा होना चाहिए बस। कई लोग बाद में भी करते हैं 12वीं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। विच बुक आई कैन स्टडी बेसिक साइंस, स्टूडेंट्स बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की मैं बुक आपको बताऊंगा, आज शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगा तो टेंशन मत लीजिए उसके लिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, गांधी जयंती है आज 2 अक्टूबर, छुट्टी है आपकी, तो उसी का एक नोटिस आया था मेरे पास। CBT 1 में 30 ITI मैकेनिकल टीचर SC कैटेगरी से हूँ, कहाँ से भरूँ। तो देखिए 30 नंबर हैं आपके, और आपके लिए जो मिडिल जोन्स है जहाँ पर मिडिल वैकेंसीज है 300 के करीब, वहाँ पर आपके लिए सही रहेगा। और कोशिश कीजिएगा कि अपने एरिया में भरें तो ज़्यादा अच्छा है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर की वीडियो मैं आपको सेपरेट प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपको करंट अफेयर्स पूरे मिलेंगे हमारे चैनल पर। कैटेगरी वाइज कट ऑफ बोल दीजिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं आपको नहीं बता सकता स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बता दूँ कट ऑफ कुछ जाए कोई फ़ायदा नहीं है उससे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक वीडियो मैं बनाऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, लेकिन कट ऑफ RRB वाइज जाएगा ये तो श्योर है। अभी क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ जो होगा आपका RRB वाइज जाएगा। बस स्टूडेंट्स यही थे क्वेश्चंस जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछे थे। आज की वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और इन सब बाकी क्वेश्चंस के आंसर मैं दे ही चुका हूँ आपको पहले के वीडियोस में। यहाँ पर कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ। सर मेरे 31 मार्क्स आ रहे हैं, 21 मार्क्स आ रहे हैं गुवाहाटी बोर्ड, क्या मैं CBT 2 में पे हूँ। तो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन बाकी के वही हैं, क्वालिफिकेशन के ऊपर और कट ऑफ कितनी जाएगी। तो स्टूडेंट्स कट ऑफ के ऊपर अभी कोई बात नहीं होगी, कट ऑफ अभी नहीं बता सकता हूं मैं आज के वीडियो में। बस मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चंस थे ये, और कंफ्यूज हैं बच्चे इसको लेकर, एग्ज़ाम ट्रेड को लेकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि एग्ज़ाम ट्रेड एक सेफ साइड पर रहने के लिए मैं बताऊँगा। ALP स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स ALP स्टूडेंट्स को सेफ साइड पर रहने के लिए मैं कहूँगा कि आप वो ट्रेड लें जो कि आपकी रेलिवेंट ट्रेड्स के अकॉर्डिंग हो। फिज़िक्स और मैथ्स को इन्होंने सब के लिए इंक्लूड किया है, ये चीज़ अभी तक नहीं पता चली है। एग्ज़ाम के नोटिस के अंदर जो चीज़ इन्होंने लिखी है वो ये लिखा था कि आपने अपने रेलिवेंट ट्रेड का पार्ट भी एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सभी पोस्टों के लिए, क्योंकि मेरिट बनेगी पार्ट ए के ऊपर। अब रेलिवेंट ट्रेड फिज़िक्स और मैथ्स ALP के लिए भी एलिजिबल है, ये चीज़ उन्होंने स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा है कि वो चीज़ हर जगह एलिजिबल है।
ले पार्ट बी, उन्होंने ये लिख दिया है कि पार्ट बी का जो एग्ज़ाम होगा ट्रेड का जो आपने चूज़ किया है वो एलिजिबल, मतलब आप उसे पास करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सभी पोस्टों के लिए जिसकी आप मिनिमम रिक्वायरमेंट फिलफिल करते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर आप बस उसे पास करें तो आप जितनी भी पोस्टों के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं उसमें सब में आप एलिजिबल माने जाएँ। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियोस किस टाइप की चाहिए, क्योंकि हम कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स और मैथ्स के लिए भी। फिज़िक्स और मैथ्स के लिए जो कंटेंट होगा वो हम बनाएंगे कैमरे के ऊपर बेस्ड होगा, मतलब पेन और पेपर के ऊपर आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो अगर आपको वो कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम उस तरीके से वीडियोस बनाएं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि पेन और कॉपी के ऊपर आपको समझाया जाएगा पूरी फिज़िक्स बेसिक साइंस के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बताना जरूर मत भूलिएगा कि आपको वैसी वीडियोस चाहिए कि नहीं, तभी मैं बनाऊंगा वो वीडियोस। आज की वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।